सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे बहुत काम आ सकती है जब हम सॉफ्टवेयर्स को बनाएंगे जब हम प्रोग्राम को बनाएंगे और यह सबसे बेसिक लैंग्वेज है जो हर किसी को सीखनी पड़ती है इसको सीखने से हमारे पास जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं सी जो है वो सबसे बेसिक और सबसे ईजी लैंग्वेज में से एक है तो वाई शुड वी लर्न सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़े सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमंस जो सी लैंग्वेज है वो एक तरीका है कंप्यूटर से बात करने का कंप्यूटर हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता पर हम उसको अपनी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उससे काम करवा सकते हैं तो उसको जो लैंग्वेज समझ आती है वो है सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा और इसलिए हम लोगों को सी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है सी लैंग्वेज का यूज़ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को होता है मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है जिसको पढ़ने से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं जो एडवांस लेवल पे आपको यूज़ करने होते हैं तो सी लैंग्वेज इज़ अ बेस लैंग्वेज ऑफ ऑल एडवांस्ड कंप्यूटर लैंग्वेज जो सी है वो सबसे बेसिक लैंग्वेज है जितनी भी एडवांस लेवल की कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उसको पढ़ने से पहले आपको सी ज़रूर पढ़नी चाहिए सी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल वाइल्ड स्टडिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब हम सी को पढ़ते हैं उसको स्टडी करने से हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं इट शेयर्स कन्सैप्ट सच एज़ कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है कंसेप्ट ऑफ लूप्स लूप्स जो होती हैं वो हमारे पास बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती है इफ एल्स का कन्सेप्ट फंक्शंस का कन्सेप्ट एंड एरे एंड मैनी मोर अगर आपको ये बेसिक कन्सेप्ट क्लियर हैं तो उसके बाद आप जो आपकी एडवांस लेवल की जो प्रोग्रामिंग है उसको बहुत अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं तो इसलिए जो सी प्रोग्रामिंग है हमें इसलिए पढ़नी चाहिए तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग तो हमने पता कर लिया कि क्यों पढ़नी चाहिए पर उसका फ़ायदा क्या है मोस्ट ऑफ़ दी सॉफ्टवेयर्स आर मेड अप ऑफ सी लैंग्वेज़स लाइक औरल माई एस्कल एंड्रॉयड अगर आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी ये कंपलसरी होती है क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़ते हैं उनको हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए उनको सॉफ्टवेयर के बारे में प्रोग्राम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ओरेकल है ओरेकल डेटाबेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जाना माना जो सॉफ्टवेयर है वो ओरेकल है डेटाबेस के अंदर माइस्क्यूल डेटा के लिए यूज़ होता है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो कोर लाइब्रेरी है जो लाइब्रेरी है इस एंड्रॉय मोबाइल फ़ोन की वो सी लैंग्वेज में लिखी गई है उसके अलावा जो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो इसलिए हमारे पास सी लैंग्वेज को पढ़ना भी ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि जो जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे सी लैंग्वेज में लिखे जा चुके हैं और आगे भी इसका बहुत यूज़ है तो सी इज़ दी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइस ड्राइवर्स जो सॉफ्टवेयर के पार्ट्स में तो हमारे पास सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर्स में फिर पर हमारे पास जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके अंदर भी हमारे पास सी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि जैसे कि हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स आर द सॉफ्टवेयर्स विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स विच हेल्प्स टू विच हेल्प्स टू कंप्लीट इंट्रेक्शन विद हार्डवेयर जो हमारे पास जैसे कि हमारे पास ड्राइव डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उनका एक एग्जाम्पल है पेन ड्राइव अब ऐसा तो है नहीं कि पेन ड्राइव एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम छू सकते हैं और कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है हम दोनों को अटैच कर दें तो कुछ ना कुछ हो जाए उसके अंदर अपने आप से डेटा स्टोर हो जाए ऐसा नहीं होता उसके अंदर जो होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है जो उस पेन ड्राइव के अंदर होंगे जो आपके एक्टिव हो जाएंगे जब आप उसको किसी भी हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर है इसके साथ अटैच करेंगे तो उनके साथ वो रिलेट करेंगे उनके साथ वो वर्क करेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो है वो डेटा आपका सेव हो सकता है तो डिवाइस ड्राइवर्स आर दी सॉफ्टवेयर्स विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का मतलब है यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती हैं एप्लीकेशंस जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन है एम एस एक्सेल की एम एस ऑफिस की तो इनके साथ जो डायरेक्टली ये लोग कनेक्ट कर सकते हैं और वो कनेक्शन होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसे हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं तो C is important to build programming skills. C जो है वो बहुत ज़्यादा important लैंग्वेज है अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बिल्ड करना है अगर आपको जैसे C++ भी करनी है C++ जो है वो एक्सटेंशन है C लैंग्वेज की उसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट और क्लासेस का concept ज़्यादा है और पर जो हमारे पास बेसिक लैंग्वेज है वो सी है अगर आपको सी प्लस प्लस भी सीखना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले सी सीखनी पड़ेगी सी बहुत ही ज़्यादा एक एक मल्टी टैलेंटेड लैंग्वेज है जिस जो हमारे पास हर एक अदर लैंग्वेज के अंदर एक बेस के टाइप में हमारे पास यूज़ होती है सो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची एट लैब बेल लैबोरेटरीज एट ऑफ ए टी एन टी इन नाइनटीन टू डेनिस रिची इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 के अंदर AT&T टी एन बेल लेबोरेटरीज के अंदर इट वॉज डेवलप टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज बी बी सी पी एल एटसेट्रा तो जो हमारे पास सी लैंग्वेज है वो हमारे पास बनी थी जो उसका फाउंडर है वो है डेनिस रिची पर हमने इसको उसने इसको इसलिए बनाया था क्योंकि जो प्रीवियस लैंग्वेज थी जैसे कि बी और बी सी पी एल उसके अंदर उसको एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था उनकी हेल्प से पर वो उसके अंदर बन नहीं रहा था तो इसलिए उसने एक नई लैंग्वेज बनाई सी लैंग्वेज और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया सो व्हाट इज़ अ प्रोग्राम तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है वो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे पास सी लैंग्वेज का यही है अब आता है आपका प्रोग्राम अब प्रोग्राम क्या होता है हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग सी लैंग्वेज सीख के हमने प्रोग्राम बनाना है हमारे पास मेन मकसद है प्रोग्राम का कि हमने प्रोग्राम कैसे बनाना है क्यों बनाना है किस लिए बनाना है और क्या क्या यूज़ होता है और होता क्या है प्रोग्राम तो उसके बाद जब हमारे पास प्रोग्राम बनाना आ जाएगा फिर हम उसके बाद सॉफ्टवेयर्स के बारे में सोचेंगे उसके बाद सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे तो so, प्रोग्राम क्या होता है प्रोग्राम इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर जो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं कंप्यूटर को क्योंकि हमने क्या करवाना है कंप्यूटर से काम करवाना है कंप्यूटर से आउटपुट लेनी है पर उसके लिए हमें इनपुट भी तो देनी पड़ेगी हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमने क्या काम करवाना तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर की उसको हम कहते हैं प्रोग्राम बेसिकली सी लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमस तो जो सी लैंग्वेज है मैंने पहले ही बताया कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं सीख but, uh, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकता तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक इंटरफेस काम करती है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द ह्यूमन लैंग्वेज सो ह्यूमन टैल्स और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन सी लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन तो जो सी लैंग्वेज है वो हमारे पास सिर्फ़ एक एक इंटरफेस की तरह काम करती है एक तरीका है एक रास्ता है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसके बदले में हमें आउटपुट देता है अब डिपेंड ये करता है कि हम इनपुट कैसी देते हैं जितनी छोटी इनपुट होगी फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दे दी ऐड करो टू नंबर्स को तो वो बदले में आपको दो नंबर से ही ऐड करके देगा पर अगर जो आप जितनी हैवी इनपुट डालोगे कि आपने इतनी बढ़िया इनपुट डाली कि आपको बदले में उसका उतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसका रिजल्ट यह मिल रहा है कि आपने एक नया एप्लीकेशन बना दिया एक नई सॉफ्टवेयर बना दिया या कोई बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो आप अकॉर्डिंग टू योर इनपुट जो आप इनपुट डालोगे कंप्यूटर ने उसका आउटपुट देना है